Hey guys, welcome back with another video. This is Vasis Malik and you are watching Asansol City of Brotherhood YouTube channel. So guys, इस वीडियो में मैं अपने पैरासेलिंग के एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों को दिखाऊंगा कि पैरासेलिंग करने के बाद मुझे क्या क्या दिक्कतें आई हैं, वो गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एक अलग वीडियो में मैं आपको पूरा वाटर स्पोर्ट के बारे में वीडियो बना के दूंगा। सो फिलहाल अभी हम लोगों ने सारा वाटर स्पोर्ट जो है कंप्लीट कर लिया और इस बोट के थ्रू से हम लोग जा रहे हैं समुंदर के बीचों बीच, क्योंकि वहाँ पर एक और बोट है जहाँ पर हम लोग पैरासेलिंग करेंगे और हमारे साथ और भी लोग हैं कर्नाटक। ये भाई लोग जो है कर्नाटक से आए हैं, हम लोग वेस्ट बंगाल से। मुझे भी नहीं पता था डीप क्या होता है, अभी गाइस आपको भी पता चलेगा कि एक्चुअली डीप होता क्या है। सही है, सही है। अभी ये गाइस अभी मुझे ये लोग डीप कराएंगे, मेरा हालत खराब होने वाला है क्योंकि मैंने एक आदमी को देखा कि डीप कैसे होता है। दिस इज कॉल्ड डीप। इतने देर से वो कॉन्फिडेंस जुगाड़ किया, अभी वो रेडी है, चाहे कुछ भी हो जाए अब वो करके रहेगा, आज भी करेगा। बहुत सही लगा भाई, बहुत सही लगा। हाँ, डीपी करा दिया। सो गाइज अभी तक सब कुछ सही जा रहा था, सब कुछ सही हो रहा था, मैंने अपना पैरासेलिंग कर लिया और बाकी 19 लोग भी पैरासेलिंग कर चुके थे और इसी तरह बोट जो है समुंदर के और भी बीचों बीच जा रही थी। काफ़ी मज़ा आ रहा था गाइज, मुझे पैरासेलिंग करके काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था। आई थिंक अगर आप गोवा आओ तो ये पैरासेलिंग आपको करना ज़रूर चाहिए। इसका सारा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मगर प्रॉब्लम गाइज तब हुई जब ये बोट चलते चलते बंद हो गई, कोई वजह से, किसी वजह से ये बोट गाइज बीचों बीच पानी के काफ़ी दूर जाके ये बंद हो गई। उसके बाद गाइज ये जो फ्लोटिंग हो रहा था ये बोट, वो पानी के जो बहाव था, लहर थे, उसके साथ ये फ्लोट होने लगा। उसके बाद गाइज हमारे यहाँ पर जो 19 के ग्रुप थे उनमें से काफ़ी लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ गया,
मुझे भी गाइस वो प्रॉब्लम हुआ था। फिर बाद में मैंने जब नेट पे सर्च किया तो पता चला कि मोशन सिकनेस बोल के कुछ प्रॉब्लम होता है जो कुछ ही लोगों को होती है, जो कि ट्रैवलिंग के दौरान होती है। उससे वॉमिटिंग आ जाता है, बस ट्रेन प्लेन और बोट पे होता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेरे काफ़ी सारे व्लॉग्स में आपको पता चल गया होगा कि मुझे थोड़ा वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है बस से। प्लेन पे अभी तक मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, प्लेन में मुझे नहीं पता, मुझे ट्रेन में बिल्कुल ही ये सब नहीं होता। मगर ये बोट जब बंद हो जाती है और ये जब लहर के साथ फ्लोट होने लगती है समुंदर में, तब ये प्रॉब्लम फील होती है सबको। उसमें से गाइस मैं भी था। और फिर मुझे पता चलता है गाइस ये मोशन सिकनेस जो है मुझे भी है। और फिर मैंने काफ़ी सारा वॉमिट किया, उसके बाद मेरा हालत जो है बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। काफ़ी देर बाद गाइस बोट वाले लोग काफ़ी ट्राई करते हैं इसे स्टार्ट करने के लिए, मगर हो नहीं पाता। फिर इसे ये लोग कॉल करते हैं बैकअप के लिए, और एक दूसरा बोट आता है काफ़ी देर बाद। और तब तक गाइस मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि काफ़ी लोग ऑलरेडी उल्टी कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। फिर ये बैकअप बोट हमें एक्चुअली लेके जाता है किनारे तक। तो गाइस काफ़ी लोगों का तो जैसे आप लोग ने देखा, मगर हमारे ग्रुप में सिर्फ मेरा और संजय का हालत बहुत ख़राब था, बाकी संजीव का और रोहित का कुछ नहीं हुआ, वो लोग ठीक थे। तो इसका मतलब ये मोशन सिकनेस जो है, बोट वाला मोशन सिकनेस, मेरा और संजय का है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर ये मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हो, मगर इसके साथ पैरासेलिंग का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसा फील किया जब बोट ये ख़राब हो चुका था, जब ये समुंदर के लहरों के साथ सिंक कर गया था बोट, मतलब ऑफ़ होने के बाद, इंजन ऑफ होने के बाद, तब मुझे अंदर से कुछ लगा, ऐसा ख़राब महसूस हुआ, कुछ बैड फीलिंग आई, तब जाके गाइस ऐसा हुआ। मगर पैरासेलिंग के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पैरासेलिंग करोगे तो आपको वॉमिटिंग ऐसा कुछ फील नहीं होगा। हम लोगों ने काफ़ी मज़े किए, एंजॉय एक्सपीरियंस था मेरा जो पैरासेलिंग का, वो गाइस काफ़ी अच्छा था। और मैं चाहूँगा कि अगर आप भी गोवा आओ तो ये पैरासेलिंग ज़रूर करो। उसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।